गुड मॉर्निंग क्लास, आपका फिर से वेलकम है स्टडी कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ सैनी आपके सामने फिर करंट अफेयर लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 13 अप्रैल 2017 की। उस ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2016 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है। तो सबसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर अभिषेक शाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, NPDRR नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, दिल्ली। नेक्स्ट, पांचवी स्कूल एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता, भारत ने, इसने मलेशिया को 5-1 से हराया है। अब तक दो बार जीत चुका है स्कूल एशियन हॉकी चैंपियनशिप भारत ने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहले निम के विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2017 का उद्घाटन किस स्थान पर किया, दिल्ली। नेक्स्ट, पुस्तक मातोश्री का लेखक कौन है, सुमित्रा महाजन ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मित्र मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, की केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने ऊर्जा मित्र ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हीरोज ऑफ 17 रिटेलिएशन क्या है, ये देखो एक विवादास्पद वीडियो गेम है, ये बांग्लादेश ने बनाया है एक तरह से, और हीरोज ऑफ 71 क्योंकि बांग्लादेश 71 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से लड़कर, तो इस पर ये गेम बनाया गया है, मतलब भारत और सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर ये ऐप बनाई गई है। ठीक है, तो विवादास्पद वीडियो गेम है जो पाकिस्तान चाहता है कि बैन कर दे। नेक्स्ट, मलाला यूसुफ जई रिसीव्स ऑनरी कैनेडियन सिटीजनशिप। कल ही मलाला यूसुफ जई ने कैनेडियन सिटीजनशिप ऑनरी रिसीव किया है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये इनको दिया है, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्लेमिंग ट्रेस ऑफ द ड्रॉपडी पुस्तक के लेखक कौन है, एम वीरप्पा मोइली, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, तो ये इन्होंने लिखे एम वीरप्पा मोइली। हाल ही में ही TD सेट का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, शिव कीर्ति सिंह को। TD सेट टेलीकॉम में अभी फिलहाल आइडिया और एयरटेल ने इसमें शिकायत की थी जियो के खिलाफ, तो ये टेलीकॉम से रिलेटेड है TD सेट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है, जापान, एक तरह से डिजिटल पेमेंट होती है, डिजिटल कॉइन है, तो बिटकॉइन की मुद्रा के रूप में किसको मान्यता दी गई है, किसे मान्यता दी है, जापान ने। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी मृत्युदंड रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत ने 2016 में कितने लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई, 136 लोगों ने 2016 में भारत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है, सिर्फ सजा सुनाई है, सजा को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है भारत के द्वारा मृत्युदंड रिपोर्ट के अनुसार 2016 में, लेकिन 2015 में इसे ज़्यादा थी, कुल लगभग 1000 के आसपास, कुल 23 देशों में लगभग 1000 के आसपास सजा सुनाई देंगे मृत्युदंड की, लेकिन भारत में 136, लेकिन 2015 में बहुत ज़्यादा थी, 1500 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मालकम टर्नबुल ने भारत की किस सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में इनोवेशन लैब खोलने हेतु आमंत्रित किया है, TCS। ठीक है, TCS कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में इनोवेशन लैब खोलने के लिए आमंत्रित किया है, नोटा दिया है। TCS के इस टाइम निदेशक है राजेश गोपीनाथन, एक कंसल्टेंसी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम जिसका नाम है GBU-43 गिराया है, और वो कहाँ पर गिराया, पाकिस्तान के नागरहार प्रांत में।
जिस फाइटर प्लेन ने इस GBU-43 सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है उस फाइटर प्लेन का नाम है MC-130, ठीक है, और ये अफगानिस्तान के नागरहर प्रांत में। अब तक किसी भी देश ने GBU-443 का यूज नहीं किया था, ना अमेरिका ने किसी देश पर गिराया, ना किसी भी देश ने किसी देश पर गिराया, लेकिन पहली बार गैर परमाणु इतना बड़ा बम अमेरिका ने अफगानिस्तान पर गिराया आईएसआईएस के खिलाफ। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।